गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। दुनिया का हर कोने कोने से आए हुए आज का ये ग्रेटेस्ट वेबिनार में मैं सबको स्वागत करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन ट्रिपल एम में स्कूल टीचर था, चलते चलते मेरे को कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते मेरा पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आया है। आज से 10 साल पहले आज जो हूं, ये ड्यूसॉफ्ट के वजह से हूं। आज ये ड्यूसॉफ्ट के वजह से मैं एक सेक्टर से और एक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आया हूं। थैंक्स करना चाहता हूं मेरे को, मेरा अपलाइन को, जिन्होंने आज मेरे को चुन लिया कि इस प्लेटफॉर्म के लिए, दुनिया को बनाने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए। आज बहुत खुश हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। आज का सेशन एक जबरदस्त सेशन है, आज जिसके वजह से आज हूं। कोई नहीं था मेरा पास, और उनको ज्ञान सुनने के लिए, उनको देखने के लिए कहां तक नहीं गया। हजार रुपया का टिकट करके गया है, कहीं पंजाब गए, कहीं बिहार गए, कहीं गुजरात गए हैं, कहीं उड़ीसा गए हैं, कहीं नॉर्थ बंगाल गए हैं, लेकिन खुदा तला का रहमत है कि उनका उनका जो आशीर्वाद जो मेरे को मिला है, आज जो मैं ये बताने के लिए जितना हिम्मत रखता हूं उनके वजह से है। जितना जितना ज्ञान लू उतना भी कम है। माई ग्रोथ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का जिंदगी का ग्रोथ कैसे बनाना है, कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे कामयाबी तक पर जाना है, शिखर तक जाना है, आज उन्हीं का सेशन है। जिंदगी में बाप मां तो है, और बाप मां के सिवा ऐसे गुरुओं ने जो ये ड्यूसॉफ्ट ने दिया है, मैं उस ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी को यहां पे बुलाना चाहूंगा, पर कोई नहीं है, अलेक्जेंडर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, क्राउन ज्वेल ऑफ ड्यूसॉफ्ट, केरला का कहिनूर, मिस्टर राजेंद्रन नारिकोट सर। प्लीज प्लीज हैप्पी वेलकम आवर ग्रेटेस्ट वेबिनार सर। थैंक यू सबीत दादा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, काले वनकम, एंड होप यू ऑल आर फाइन बाय ऑल मींस। सो मेरे बारे में सबीत दादा ने बहुत अच्छी तरह आपको इंट्रोड्यूस किया है, फिर भी इट बिकम्स माय ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू द पर्सन हु आर वेरी न्यू टू द सिस्टम। सो माय नेम इज राजेंद्र नारिकोट एंड आई एम फ्रॉम द गॉड्स ओन कंट्री केरला। प्राइड एंड स्ट्रेंथ टू चूज ड्यूसॉफ्ट एज माय करियर। Then I would like to thank the creator of and founder of ड्यूसॉफ्ट, Mr. Rishi Sahadev, and I would like to thank the one and only great personality, the captain of the ship, Mr. Anurag Awasthi, for being with me every time, in every grief, in every happiness. And I would like to thank all my great senior leaders and all my great uplines, and especially my sponsor upline, Mr. Vavarajan sir, great, wonderful, beautiful team for making me whatever I am today. So my dear friends, इस सिस्टम में आने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स का एक सोल्जर था, और मैं 20 साल सर्विस किया इंडियन एयरफोर्स का, मैं जो एक टेक्नीशियन था मैं, और करते करते 20 साल गुजर गया। मैंने बहुत सारा सपने के साथ एयरफोर्स में ज्वाइन किया था, एज यू नो इट इज अ सर्विस, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा हर सपना इसमें से पूरा नहीं होगा, तो मुझे उसमें मुझे ऐसे निकालना पड़ा समय। तो जाके 20 साल में, 19 इयर्स और 6 मंथ्स में मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला, वो है ड्यूसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड, मैं भगवान को इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसा टाइम पे आया, क्योंकि मेरे मुझे पता नहीं 20 साल के बाद मेरे दोस्त लोग सब अनविलिंगनेस दे दिया कि बाहर जाने का अनविलिंगनेस दे दिया, और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, या सर्विस में कंटिन्यू करूं या मैं बाहर जाऊं। लेकिन मेरे पास बाहर जाने के लिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, जैसे कोई एजुकेशन नहीं था, आई हैड अक्वायर्ड डिग्री, बट उससे तो कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। थैंक गॉड मुझे ड्यूसॉफ्ट मिला, और ड्यूसॉफ्ट मिलने के बाद मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि जैसे आज भी मैं उतना एक्साइटेड हूं, और आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड इक्वली कि मुझे ये सिस्टम मिला, और मैंने आज आपके सामने 650 माइल्स कंप्लीट करके बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। और इस सिस्टम में जब मैं आया, मैंने आने के बाद जो सपना था मेरे, मैंने ड्यूटी करते थे
सात बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे या 8 बजे 9 बजे, बिकॉज हमारा ड्यूटी शुरू होने का हमको पता होता है, कब वापस घर में जाएगा ये पता नहीं है। एयरफोर्स वाला जिंदगी और फौजी वाला जिंदगी आप लोग सबको तो पता ही होगा। तो मैंने, माय डियर फ्रेंड, मैंने भी ऐसे ड्यूस ऑफ में आ गया, और बिकॉज मुझे इस सिस्टम को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास, मैंने थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में एक लैपटॉप, एक सिस्टम लिया था, एक डेस्कटॉप लिया था, और उसमें से मैंने एक चंडीगढ़ का कंपनी था, एक ये सोर्स करके उसमें से मैंने थोड़ा सा पेज कन्वर्ट करके, मीन्स पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने शुरू किया था। और मैं पागल हो गया था, क्योंकि वो लोग 300-400 पेजेस मुझे भेजता था, और वो रात हफ्ते के अंदर करके देना बहुत मुश्किल था। मैंने लास्ट में क्या किया, वो सीडी को तोड़ दिया मैंने, क्योंकि दिमाग उतना खराब हो गया था, माय डियर फ्रेंड। तो द गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई मस्ट थैंक, एंड जितना भी मैं थैंक्स कहूं वो कम रहेगा, माय डियर फ्रेंड। और मैं हूं बेसिकली साउथ इंडिया का और केरला का हूं, और आई वाज इन इंडियन एयरफोर्स, तो मैं इंडियन एयरफोर्स में मेरा भाषा अंग्रेजी ऑफिशियल है, और साउथ में रह के मेरा मदर टंग इज मलयालम, और हिंदी में अगर मेरा थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ, अगर कुछ गलती हो जाता है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे को माफ कर देना। और लास्ट में एक और, वंस अगेन आई विल आस्क फॉर द अपॉलॉजी, बट लेट मी बिगिन माय टुडेज टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जिंदगी में, सब लोग कामयाबी होने के लिए इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में तो देखो, हम लोग आ गया, सबसे पहले मैंने एक महाभारत का एक श्लोक, एक वर्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर राजा का फैमिली में पैदा होते हैं या किसी किसान के घर में पैदा होता है, दिस इज अ डेस्टिनी, हमको पता नहीं है वेयर वी आर गोइंग टू गेट बॉर्न, लेकिन उसके बाद जो हम जो भी बनेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर वैलर। ये किसके बारे में बताया था महाभारत में, कि कर्ण के बारे में बताया था। Karna, you know, he is a very great soldier, he is a very great fighter, he was equivalent to the great Arjun, फिर भी उनको बहुत सारा problems हुआ, तो उनको उनको ये बताया गया था कि अगर, उन्होंने ये बताया कि मुझे अगर जिंदगी में कामयाब होना है, तो मुझे अपना हाथों का, अपना हाथों से खुद लिखना पड़ेगा कि मेरा कामयाबी। So, हम लोग, सब लोग, ये जो मदायतम तू पौरुषम, दिस इज अ संस्कृत वर्ड्स, इट्स डायरेक्टली मीनिंग माई ग्रोथ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वॉट एवर योर अचीवमेंट इज इन योर हैंड्स, योर वैलर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो मैंने, इवन आई हैव टैटूड इट ऑन माई हैंड्स ऑल्सो, मदायतम तू पौरुषम, ये जो इतना स्ट्राइकिंग है और इतना मैंने इसके साथ जीना लगा, और ये जो चीज है मदायतम तू पौरुषम, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हम जो भी बनता है हमारा खुद का चॉइसेस से बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग जब चॉइस करते हैं हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो वी ऑल हैव टू डू सम चेंजेस। अगर चेंजेस, ह्यूमन टेंडेंसी का एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा चीज है कि हम लोग ना चेंज करना नहीं चाहते हैं, हम लोग हमेशा क्या है ना, जहां रहते हैं वहां कंफर्टेबल लगना लगते हैं, लेकिन अगर हम चेंज करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो यू कैन बिकम एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यस सर, ग्रेट सर। या सो माय डियर फ्रेंड, मैंने एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में मैंने अपना टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा नोट भी करेगा, और माई ऑडियंस इज द पर्सन हु आर वेरी न्यू टू द सिस्टम, और जो सिस्टम के बारे में नहीं जानता, क्योंकि ये सिस्टम में आने से पहले मैंने अपना होमवर्क मैंने कर चुका था। मैंने दिल्ली गया, कंपनी ऑफिस में गया, अनुराग सर को मिला, कंपनी ऑफिस में जाके सब कुछ मैंने पता करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, यार ड्यूसॉफ्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। थोड़ा नेगेटिविटी भी सुना था, लेकिन मेरा अप्लायंस ने मुझे बताया था कि कभी नेवर थिंक, नेवर टॉक, नेवर लिसन नेगेटिविटी, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट टुडे हमारा ड्यूस ऑफ जो है
23 साल कंप्लीट करके आज मुझे एक मौका अनुराग सर ने दिया आज मुझे आपके सामने बात करने का, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अनुराग सर, रेस्पेक्टेड अनुराग सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सब कामयाब होना चाहता है, कामयाबी मीन्स हम लोग सब रिच पर्सन बनना चाहता है। तो मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में जितने भी रिच वाला पर्सन है, दोज हु आर वेल्दी पीपल, 80% पीपल हैव कम फ्रॉम कॉमन बैकग्राउंड और 15% पीपल हैव कम फ्रॉम ट्रेडिशनल रिच पीपल है। दे आर उनका जितना जितने भी राजा महाराजाओं का बच्चे थे, इसलिए वो लोग वेल्थी हुआ, दैट इज 15%। 3% जो लोग है वो है हाईली पेड प्रोफेशनल्स, जैसे आपको पता ही है द सीईओ ऑफ गूगल, इन ये सब ना हाईली पेड है। इनका जो 200 अबव उनका सैलरी होता है, 200 crores, मोर देन 200 crores उनका सैलरी होता है। दीज आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स, एंड 2% जो लोग है दे आर एक्स्ट्रा टैलेंटेड पीपल। सो वॉट वी हैव टू लुक इन टू इज 80%, 80% जितने भी 80% रिच पर्सन है, दे हैव कॉमन बैकग्राउंड, आम आदमी है। आम आदमी से रिच पर्सन बनना है तो वी ऑल कैन बिकम सक्सेसफुल, इवन मी टूडे आई एम वॉट एवर आई एम टूडे, बिकॉज मैंने इस ड्यूस ऑफ में आने के बाद 2 साल मुझे लगा डिप्लोमेट बनने के लिए, उसके बाद 8 महीने में मैं अम्बेसडर बना, फिर 8 महीने में मैं स्टार अम्बेसडर बना, फिर मैं 8 महीने में मैंने क्राउन अम्बेसडर बना, फिर मैंने ये किया 2 साल लगा के मैंने जॉयल बना, उसके बाद आज मैंने 650 miles पे अब खड़ा हूं, क्योंकि मुझे ये विश्वास आया था कि अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे एक रास्ता चाहिए, और उस रास्ता देने के लिए मैं भगवान से कितना भी शुक्रिया अदा करूं तो वो कम पड़ता है, माय डियर फ्रेंड। सो यू गॉट द पॉइंट, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन रिच कम्युनिटी आर फ्रॉम कॉमन पीपल। तो हम सब लोग रिच बनने के लायक है, एंड वी ऑल कैन बिकम रिच पीपल। बट माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल, विदाउट अ फॉर्मूला नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, राइट? So there is a formula, there is a success formula. That success formula is, if you want to write down, you can write down. If you want to keep it in your heart, that is well and good. And the formula is 4 D's plus 3 C's plus 2 B's plus 1 A is equal to success, my dear friend. So 4 D's, kya kya hai? Well, let us begin from the lowest one. That is 4 D's plus 3 C's plus 2 B's plus 1 A. Let us start from the bottom, that is 1A. क्या है 1A? stands for attitude, my dear friend. आपको जो attitude है, it should be very positive, and you must have a attitude of gratitude. It's the most important attitudes. These two attitudes must be there. They say attitude, you know, attitude is everything. The height you go up, जितना भी altitude पे आपको जाना चाहते हो, उतना आपको एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यू ऑल नो दिस। सो 1A, एक A चाहिए, बाकी तो 4 D चाहिए, 3 C चाहिए, 2 B's चाहिए, लेकिन एक A बहुत ही जरूरी है, दैट इज एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड। सो एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए। देन लेट अस लुक इनटू द 2 B's, व्हाट आर दोस? द फर्स्ट B इज बिलीफ एंड द सेकेंड वन इज ब्रेवरी। The first one is belief, because you know, I believe in God. I have not seen the God, but I have felt God because I believed in God. My belief system is such strong that मुझे पता है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें हाल करने के लिए मेरे साथ भगवान है, और भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, मुझे इस दुनिया का जितने भी सारा मुश्किल है वो मुझे दे दो, लेकिन साथ साथ उसको झेलने का मेरे को ताकत दे दो, इतना ही मैं प्रार्थना करता हूं। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स मत दे दो, मुझे बोलता हूं जितना प्रॉब्लम्स है वो मुझे दे दो, लेकिन मुझे उसको झेलने का, मतलब उसको टॉलरेट करने का ताकत देने के लिए मैं हमेशा प्रे करता हूं। सो 2 B's आर फॉर बिलीफ एंड ब्रेवरी। ब्रेवरी यू नो करेज, आपको धैर्य, आपको दैट एटीट्यूड, दैट थिंग शुड बी देयर, करेज, ओके, डिसीजन मेकिंग करेज आपको होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ लोग बोलेंगे मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, बहुत सारे लोग आपको गलत गाइड करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यू हैव टू हैव दैट करेज दैट यू हैव सेलेक्टेड द राइट पाथ। सो 2 B, लेट अस डिस्कस अबाउट द 3 C's। वन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, एंड सेकेंड वन इज कैरेक्टर,
and the third one is control. Confidence, as you know, it is the only single most quality. एक ही क्वालिटी आपको दुनिया जीतने के लिए एक ही क्वालिटी का जरूरत है, दैट इज कॉन्फिडेंस माय डियर फ्रेंड. और कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा, आपको भी पता है ना, किसी किसी वीडियोस में मैं देखा हूं शहर के सामने जाके एक बिल्ली भी उसको साथ ललकारना लगता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, देन दैट इज सफिशियंट इनफ टू विन द गेम माय डियर फ्रेंड. एंड द कैरेक्टर मस्ट बी वेरी वेरी वेरी, यू नो, इट्स मस्ट बी वेरी क्लियर. कैरेक्टर आपका, आपके पास जितना भी वेल्थ हो, जितना भी कुछ हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है. तो कैरेक्टर का ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड सी इज कंट्रोल. कंट्रोल, व्हाई कंट्रोल? बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर. आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने का भी आदत पड़ेगा, मन बोलेगा, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको बिहेवियर को संभाल के रखना है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन. आपको अपना बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू कंट्रोल द पीपल. सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हम लोग सुना है एसटीपी, हम लोग देते हैं कि हम शो द प्लान. ये शो द प्लान में भी पांच तरह का एसटीपी है माय डियर फ्रेंड. क्या है एसटीपी? स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले सी द पीपल. तो ये लोगों को जब हम देखते हैं तो हम ये लोगों को कंट्रोल करना, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग एंड वी हैव टू मेक देम इनटू ए टीम. जब हम लोग एक टीम बनाएगा तो वो टीम में हर तरह का लोगों को, जैसे मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में जब हम लोग जाते हैं तो अलग अलग देश का अलग अलग लोग अलग अलग बिहेवियर के साथ आते हैं, लेकिन उधर जाके ट्रेनिंग के बाद जो है सबका मेंटालिटी, सबका एटीट्यूड, सब कुछ, और उनका जो जो भी है डिसिप्लिन वगैरह, सब कुछ एक साथ बन जाता है. सो व्हेन यू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड व्हेन यू कंट्रोल योर पीपल, योर टीम, यू विल बिकम सक्सेसफुल. एंड द मोस्ट अनदर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज 4 D's माय डियर फ्रेंड्स. That is, one is you have to dream, you must have strong dreams. ये सब आप लोगों को कोई ना कोई तो बताया है, आप लोगों को सीखा है, but ये जो formula के साथ आप चलोगे तो you will get successful. कोई भी आपको success से बनने से रोक नहीं सकता. And second one is determination, and third one is dedication, and the fourth one is destination. So why you are in Dewsoft? आपको पता ही है. You must have a, देखो ये सब देखो, जब मेरे को, जब मैंने आपको बोला मैंने डिप्लोमेट बनने के लिए 2 साल लगा. क्यों लगा मुझे 2 साल? क्योंकि शुरुआत में जब मेरा अप्लायंस और मेरा सीनियर लीडर्स मुझे बोलता था, राजेंद्रन तुम ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, लेकिन मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता था. और मुझे, मैं ये सोचता था यार ये ट्रेनिंग क्या अटेंड करना है, मुझे तो सब कुछ आता है. लेकिन जब मैंने एक बार ट्रेनिंग में गया, एक 6-7 महीने के बाद, तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ नहीं आता है. सो व्हेन वी लर्न ऑल दीज थिंग्स वी कैन सर्ज अहेड इन वेरी एक्सेलरेटेड स्पीड माय डियर फ्रेंड. सो द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज 4 D's प्लस 3 C's प्लस 2 B's एंड प्लस 1 A. दैट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस. दिस सक्सेस, ये जो फॉर्मूला के साथ जब आप जियोगे तो यू बिकम ए लीडर. हमको हमारा सक्सेस जो है, हमारा जितने ज्यादा लीडर्स हमारा साथ है उसके ऊपर निर्भर करता है. आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लीडर्स वी क्रिएट. यू ऑल नो दैट. हम लोग बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में जोड़ सकता है, बहुत सारे लोगों को. मैं लोगों को अगर बताना शुरू करूं तो डे बाय डे आई कैन यू नो मेक ए लॉट ऑफ टीम, लॉट ऑफ पीपल. बट एक टीम में अगर मेरा सक्सेस का निर्णय वो लोग करता है जो लीडर बन जाता है माय डियर फ्रेंड. तो लीडर है कौन? लीडर इज अ पर्सन हु शोज द वे, हु गोज द वे एंड हु लीड्स द वे. यू ऑल नो दिस. एंड यू हैव टू क्रिएट लीडर. उस लीडर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा. एंड दिस फॉर्मूला के साथ आप लीडर बन सकता है. एंड वेल्थी, जैसे मैंने बताया, you are in the right platform because jitne bhi log idhar aaye hai, aap take from mera plane ka jitne bhi, Lubana sir ho, Sadish Chhatri sir ho, Sushil sir ho, and jitne bhi uplines ho mera,
सब लोग, प्रशांत सिंह सर हो और चार मूर्तियां हैं जो बिहार के, संजय चौधरी सर हो, जितने भी लोगों को आप देखोगे तो दे आर ऑल कॉमन पीपल माय डियर फ्रेंड, बट दे आर वन अमंग द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ, जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा चुका है, बिकॉज दे ऑल वर कॉमनर्स एंड हम लोग अभी, इवन मी टू, I am leading a very wonderful life now because of this great system. मेरे पास कुछ भी नहीं था जब यह सिस्टम में जब मैं आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, तब जाके ड्यूस ऑफ मिला और मैं क्या बता, मैं एक जॉब था मेरे पास, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन आज मैं इतना स्टाइलिश जिंदगी जी रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म और इस सिस्टम में 80% जो दुनिया का जितने भी अमीर लोग हैं, 80% लोग भी कॉमनर्स थे एंड हम भी अभी बन सकता है। अभी अगर ऐसा किसी ने भी सोचा है कि मैं कामयाब नहीं बन सकता, सो आई वांट टू प्रूव यू दैट यू आर रॉन्ग, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर फ्रॉम द कॉमन बैकग्राउंड लाइक मी। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ यू गॉट द फॉर्मूला and it is all depends upon my topic, the my growth is my responsibility. So my dear friend, next is you have to create good habits, my dear friends. Maybe aapke means jo bhi normal insaan ek jaise ek ye sab maine apne experience se seekha hu aur maine apne badla hu. Indian Air Force mein jab main service karta tha to main us mein kisi ko hi hello bhi nahi karta tha, क्योंकि उधर करने का जरूरत नहीं था, मुझे जो ड्यूटी देता था मैं करता था और वापस आके घर में आके सोता था, या मैं घूमने जाते थे या ड्यूटी करने फिर जाता था, परेड करने जाते थे। लेकिन जब ये सिस्टम में आया और किसी से कोई मुस्कुराहट भी नहीं करता था, लेकिन आफ्टर कमिंग इन टू दिस सिस्टम आज मैंने अपना हैबिट्स को बहुत ज्यादा बदल चुका है, बहुत ज्यादा। आई हैव गॉट ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, हैबिट्स को मैंने बदला, क्योंकि हमको सक्सेस चाहिए। आपको जो भी आप अभी कर रहा है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे पहला एक हैबिट आपको बनाना है, आपको एक मेंटर को चुनने का बहुत बड़ा जरूरत है। यू ऑल नो ऑल दोस ग्रेट प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स, इवन सचिन तेंदुलकर हो, विश्वनाथन आनंद हो, इवन द बैडमिंटन प्लेयर्स लाइक सिंधु, दे ऑल हैव गुड कोचेस। क्यों? कोच आपके जैसे प्ले नहीं कर सकता या उनके जैसे प्ले नहीं कर सकता, बट देर मस्ट बी ए पर्सन हु कैन गाइड यू इन ए प्रॉपर वे। यू मस्ट एक्सेप्ट वन एज ए मेंटर, क्योंकि आप लोग कभी सोचेगा कि यार आप खुद भी सीख सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खुद नहीं सीख सकता, आप खुद सीख सकता है। आपके पास इतना, भगवान ने सबको बराबर का दिमाग दिया है, बराबर का पोटेंशियल दिया है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी से जब हम सीखना शुरू करेगा तो आपका जो रास्ता का दूरी बहुत कम पड़ेगा, माय डियर फ्रेंड। सो एक्सेप्ट वन एज ए गुरु, आप होप यू विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर आपको उनका जो एक्सपीरियंस और उनका जो नॉलेज, अगर वो गुरु को जब आप मानोगे, जब आप वो उनके आपके साथ शेयर करने लगोगे, तो यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, माय डियर फ्रेंड। एंड सेकेंड वन इज एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज करना सीखो, बिकॉज यू नो आई एम 52 years old नाउ, लेकिन मुझे आज भी, मैंने 10 गेम से ज्यादा बैडमिंटन खेल के आया, बाय स्किन वाइज और बिहेवियर वाइज और एक्टिविटी वाइज आई एम नॉट 52, आई फील आई एम जस्ट 20-25, क्योंकि ये जो मेरा आदत बनाया, दिस ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू सॉट, आई मस्ट यू नो आई हैव यू नो, मैं क्या बताऊं, मुझे फैथमलेस डेप्थ है मेरे को ड्यू सॉट के साथ, क्योंकि जो जिंदगी मैं आज जी रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दी जो 5 साल मैंने पहले ड्यूस ऑफ के लिए दिया, उसके वजह से है, माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा आप अपना एक्सरसाइज भी करो, सुबह उठो 4:30 बजे उठो, और मैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको मैं बोलता हूं कि आप सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आप 6 जो आपका थोड़ा बहुत जो भी करना है, एंड यू विल हैव ए लॉट ऑफ टाइम, एम्पल टाइम टू डू योर जो भी काम करने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा, माय डियर फ्रेंड। देन आपको अपने बारे में देखो, सबसे आपका जो बिजनेस अगर बड़ा करना है तो आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयर करना बहुत जरूरी है।
और आपको पता है सैक्रिफिकेशन प्यार से ज्यादा है. सैक्रिफिकेशन इज ग्रेटर देन लव एंड कैरेक्टर इज लेटर ग्रेटर देन ब्यूटी एंड ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन वेल्थ एंड आई मस्ट टेल यू नथिंग इज ग्रेटर देन रिलेशनशिप्स माय डियर फ्रेंड. जो इस सिस्टम में मैं आया हूं, आने के बाद मैंने शुरुआत में मुझे पैसे का जरूरत था. मैंने भागा 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 भागा. जैसे आज सबीर दादा ने मुझे, मेरा ग्रेट अपलाइन ने मुझे नाम दिया था अलेक्सांडर ऑफ ड्यूसॉफ्ट. हर स्टेट में मेरा टीम था, हर स्टेट में. इधर वेस्टर्न सेक्टर देखूं, गुजरात में था, राजस्थान में था, महाराष्ट्र में था, और साउथ का देखूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला, सब जगह अभी भी है, लेकिन कुछ जगह, कुछ स्टेटों में नहीं है. एंड नॉर्थ ईस्ट का बात करूं, बंगाल, वेस्ट बंगाल, वो भी नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, देन आई हैड टीम इन असम, देन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, देन त्रिपुरा, दिस ऑल प्लेसेस आई हैड टीम. मणिपुर, हर जगह मेरा टीम था. इसलिए मेरा जो ग्रेट अपलेन ने मुझे 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 बुलाना शुरू किया अलेक्सांडर ऑफ ड्यूसॉफ. एंड वो जो उन्होंने बताया, और देखो जिंदगी में चेंजेस तो आते रहता है, लेकिन मैंने आज भी उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखा हूं. माय डियर फ्रेंड, दे हैव नेवर लेफ्ट मी. दे हैव सम प्रॉब्लम्स, मे बी दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट उनके साथ मैंने रिलेशनशिप बना के रखा है. एंड यू सॉफ्ट इज नथिंग बट ए रिलेशनशिप मेकिंग बिजनेस. माय डियर फ्रेंड, आपको अपना रिलेशनशिप आपको लगेगा कि ऐसा है वैसा है, लेकिन रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नथिंग इज ग्रेटर देन रिलेशनशिप. और मैं इस सिस्टम में आया हूं, और मुझे जब वेस्ट बंगाल से सबीर अली दादा मुझे इतना प्यार करते हैं, साउथ इंडिया से हरिकृष्ण सर इतना प्यार करते हैं, अगर किसी और को मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, मानता हूं. माय डियर फ्रेंड, सो ट्रस्ट. सेकंड, नेक्स्ट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट इन ऑलमाइटी ऑलवेज. You are, क्योंकि हमको भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखना की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे अंदर ना हमेशा कुछ डरावना होता है, कभी कभी कुछ डाउट्स आ जाता है कि यार मैं क्या सही कर रहा हूं, या मैं वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं. कोई ना कोई थोड़ा सा वायरस घुसा देता है तो आपको लिखने लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. क्योंकि आपको भगवान, देखो मैं बता रहा हूं आज के सामने, मैं अपना गुरुवायर अपनर गोडस गोडस मुगाम्बिका देवी का नाम लेके मैंने ड्यूसॉफ का आज शुरुआत किया हूं, क्योंकि मैं उनको अभी भी हमेशा मैं थैंक यू करता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे दिया. और उसके बाद जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मैंने अपलाइन का बात सुना, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट बना. मैं कामयाब क्यों हूं, मैं माई ग्रोथ is my responsibility, is my topic name. Lekin it is actually madayatvam tu paurisham. Oh, aap jaake Google mein dekho how you got, and it is on my hands. I have tattooed it on my hands. And wherever you find my profiles, you will find madayatvam tu paurisham. My growth is my responsibility. You are making your success, my dear friend. And Bhagawan, jab aapne itna jyada trust karoge, to Bhagawan aapko, भगवान कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम्स लेके नहीं देगा जो आपको लेने लायक नहीं है. तो माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट इन ऑलमाइटी एंड डू योर जॉब इन ए वेरी ग्रेट मैनर. तो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, आपने कर दिया, मैंने बताया आपको. नाउ यू हैव टू डू सम सेल्फ एम्पावरमेंट. सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है? मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस टू टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी. आपको 5 साल के बाद क्या बनने का है, दैट यू हैव टू टेक ए कॉन्क्रीट एक्शंस. जैसे आपको पता ही है, यू मस्ट हैव हर्ड, आपका जो लीडर्स में बात करते होंगे, आप सुना होगा, अगर आपका विजन 1 साल का है, 1 साल में आपको जल्दी से थोड़ा पैसा चाहिए, तो आपको एक फूलों का खेती करना चाहिए. 1 साल के बाद उसको काटो, बेचो और पैसा कमाओ. अगर आपका विजन 5 साल का है, तो यू कैन ग्रो ट्रीज, पेड़ों को उगाओ. मीन्स यू प्लांट ट्रीज एंड 5 साल के बाद पेड़ बड़ा हो जाएगा, काटो, बेचो और पैसा कमाओ. अगर आपका जो विजन है, आप इस दुनिया से जाने के बाद भी है, आपको पैसा आते रहना है, या आपको घर में आपका मूर्ति बना के, आपका मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाने है, अपना बच्चे और बच्चे के बच्चे लोग, जब फूल चढ़ाने का जब बात आता है, तो यू हैव टू कल्टीवेट पीपल, माय डियर फ्रेंड.
You have to create such a beautiful, you know, relationships with the people, then you will get, aap apne jaise dusron ko banane ka koshish karo, self empowerment karo, aur uske baad dusron ko empower karo. And this empowerment word is a beautiful word in English which I like the most. Empower karna, dusron ko hamare jaise banana, aur wo kai jobs mein mil sakta hai kya? Kabhi bhi nahi. लेकिन हमारा सिस्टम में आपको मिलेगा. और जितने भी एम्पावर्ड लोग हैं, जितने भी आजकल जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रहा है, उसमें सब में आप देखो, आपको मिलेगा हमारा ड्यूस ऑफ टेन लीडरशिप में मिलेगा. क्योंकि वो सब कुछ सीखने के बाद, जितने यू नो, व्हेन एवर मेक ए कॉल टू यूपी और व्हेन एवर मेक ए कॉल टू अदर स्टेट्स पीपल, दे आर वर्किंग और दे आर डूइंग समथिंग एल्स बिकॉज दे लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ड्यूस ऑफ. और जितना ज्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग ड्यूस ऑफ टेंस देते हैं, और कोई नहीं दे सकता है, माय डियर फ्रेंड. सो सेल्फ एम्पावरमेंट करना है. सेल्फ एम्पावरमेंट करने के लिए आपके पास डेवलप करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करो. सेट रीजनेबल गोल्स. रीजनेबल गोल्स ये नहीं कि आपने ड्यूस ऑफ में ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़ा बड़ा सपना ने आपने लिख दिया और वो पूरा नहीं कर पाता है, आप बोलता है यार फिर थोड़ा सा मुंह थोड़ा नीचे करके करना पड़ता है, ये नहीं. रीजनेबल गोल्स सेट करो. You know that the formula, smart formula. I will not jyada explain nahi karunga main, but you have to keep reasonable goals. And hamesha positive logon ke saath reho. And what I do nowadays, I am very selective in my selection of friends. Very, very selective. Main nahi ki sabhi ke saath jaake haath mila leta nahi hu. मैं उनको टेस्ट करता हूं, उसके बाद ट्रस्ट करता हूं, माय डियर फ्रेंड. फर्स्ट यू टेस्ट, देन यू ट्रस्ट. सो आपके पास ऐसा व्यक्ति के साथ आपने अपने कंपनी बनाओ जो आपका जैसे, आपके जैसे पॉजिटिव मेंटालिटी वाला लोग है. एंड सेल्फ केयर करो. सेल्फ केयर मतलब यू हैव टू बी इन ए वेरी 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 हाइजीनिक कंडीशन में रहना चाहिए. I appreciate the girls and the ladies. हमेशा एक अपना बैग रहता है हमेशा उनके पास. उस बैग में उनका एक शीशा रहता है, उसमें पाउडर रहता है, उनके पास लिपस्टिक रहता है, सब कुछ रहता है उस बैग में. Everything they carry. And थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बाल उधर इधर हो जाएगा तो वो लोग क्या करेगा, सीधा शीशा देखेगा, बैग खोलेगा, हैंड बैग खोलेगा और उसमें से शीशा निकालेगा और कंघी मारना शुरू करता है. Whereas gents, you know, gents लोग थोड़ा carefree रहता है. नहीं, थोड़ा सा सिस्टम के साथ अगर आपने अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट करोगे, थोड़ा सा यू नो, यू लुक लाइक ए बिजनेसमैन. यू हैव टू कीप योर सेल्फ दैट आई एम यू बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर. और उस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करने का है, आप एक लंबा सांस ले लो और लंबा सांस लेके यू नो यू जस्ट टेल योर सेल्फ that I will work with the mindset of an entrepreneur. Lamba saas le lo aur bolne ka hai, hamesha bolne ka hai, I will work with the mindset of an entrepreneur. Main ek business hai, ek bahut bada business hai. Agar main kamyaab ho sakta hu to aap bhi kamyaab ho sakta hai. Agar jitne bhi leadership hamara, jitne bhi log hai is Dusoft mein jo kamyaab bhi, बहुत बड़ा प्रोग्राम चला अभी आगरा में और आप लोग सब उसका फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे. और उसमें कितना बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, कितना कितना एंथुसियाज्म के साथ लोग उस मीटिंग अटेंड किया, बिकॉज दे टेक ड्यूस ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योरशिप. इतना जबरदस्त एक एंटरप्रेन्योर है. और आपको हमेशा एक लंबा सांस लेके अपने आप को यह बोलने का है, आया मैं I will work with the mindset of an entrepreneur. Lamba saas leke ek baar try karo abhi. Lamba saas leke aap khud bolo, I will work with the mindset of an entrepreneur. So my dear friend, aapke paas kamyabi baake aa jayega, my dear friend. Kaise? Aapka jo actions list ko bhi banao. Ye self empowerment mein aata hai. Jaise aap action list bhi banao ki mere ko kya kya karna hai. Dekho, आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा रहेगा. एक्सक्यूजेस मैं अपना टीम में लोगों को ये बोलता हूं, जब यार आप मेरा घर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, यू नो आई ऑलवेज डिस्कस इट विद माय ग्रेट मेंटर अनुराग अवस्थी सर, कि मेरा प्रॉब्लम्स अगर आप सुनोगे तो आप
पूरे के पूरा सुगड़ गया होते, आप अभी इस दुनिया में भी नहीं रहते होते, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने कभी भी अपना माइंड सेट को कभी खराब नहीं किया। यस सर मैं एक बात अभी भी बता रहा हूं, एंड एवरी इवन इफ आई गो फॉर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मैंने जब मैं जाता हूं कोर्ट में पहुंचता हूं तो उधर एक एनर्जी पैदा कर रहा देता हूं, मैंने एक एनर्जी ऐसा पैदा कर रहा देता हूं कि पूरा लोग एक्साइटेड हो जाता है। तो यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज नहीं है, हम लोग डिसीजन लिया है, एक राइट डिसीजन लिया है कामयाब होने का, और वो राइट डिसीजन लिया है, और आप जो भी बनेगा आपका चॉइसेस के ऊपर बनता है। यू हैव टेकन ए राइट डिसीजन टू बिकम सक्सेसफुल, और आपको अपने आप को बाकी सिस्टम का जो लास्ट 2-3 ट्रेनिंग वर्कशॉप जो लीड मीटिंग में था, अपना बहुत सारे लोग प्लान दिया और हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ किया। ड्यूसॉफ्ट का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ड्यूसॉफ्ट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बढ़िया नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है माय डियर फ्रेंड। यू हैव टू सेल्फ एम्पावरमेंट करने का बहुत बड़ा जरूरत है, और थोड़ा सा फेल होने का भी थोड़ा सा रखो, ये नहीं कि एक बार प्लान दिया ये नहीं हुआ तो फेल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सक्सेस इज द मोस्ट हार्डवर्किंग 7-letter word, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, आप लोग सुना होगा, द मोस्ट हार्डवर्किंग 7-letter word इज सक्सेस। तो उसका जस्ट ऑपोजिट एक वर्ड भी है, दैट इज फेलर। फेलर इज नॉट फाइनल, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड। आपके पास सेटबैक्स आएगा, उस सेटबैक्स में अगर आप सेल्फ एम्पावरमेंट करोगे तो आपका जो सक्सेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास आएगा। और मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज आपसे कराना चाहता हूं, कि छोटा सा एक्सरसाइज है, एक अपना हाथ को थोड़ा सा जैसे सीधा ऊपर करने का कोशिश करो, मैक्सिमम ऊपर उठाने का कोशिश करो। यस सर, कर दिया? यस सर, थोड़ा सा करो, कर दिया। नाउ अब थोड़ा सा और उसको स्ट्रेच करने का कोशिश करो, थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच करने का कोशिश करो। यस सर, किया? थोड़ा सा ऊपर और गया? यस सर। तो मैंने आपको ये पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार जब मैं बोला था कि आपका हाथ थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करो, तो आप वो सेकंड टाइम में जितना स्ट्रेच किया था वो पहली बार में क्यों नहीं किया? पहली बार में भी आप कर सकता था, पहली बार में भी आप वो हाथ उतना स्ट्रेच कर सकता था, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकता था, लेकिन पहली बार आपने नहीं किया, जब किसी ने बताना पड़ा तब जाके आपने उसको स्ट्रेच किया। क्योंकि जब आपने वो स्ट्रेच किया, बट वो आपने वो जो एक्शन प्रॉपरली नहीं किया, तो आपको वो एक्शंस बहुत जबरदस्त तरीके से करना है माय डियर फ्रेंड। 5 साल के बाद है, 5 years, मैं 38 years में ड्यूसॉफ में आया हूं, और 38 years के बाद, और यू पीपल आर वेरी यंग पीपल, वेरी वेरी यंग पीपल जो ड्यूसॉफ में है, थोड़ा सा कोशिश करेगा 5 साल के अंदर आपके पास 1 या 2 या 3 या 10 करोड़ भी आ जाएगा, और आपके पास घर गाड़ी सब कुछ होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो कितना खूबसूरत जिंदगी होगा माय डियर फ्रेंड। एंड दिस वर्ल्ड इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, अगर पॉकेट में पैसा नहीं होगा ना, दिस इज अ हेल, दिस वर्ल्ड इज अ हेल, आपके पास पैसा नहीं होगा। जब आज ना मैं बहुत सुकून के साथ सोता हूं, और मैं इतना इतना हैप्पीनेस के साथ मैं सोता हूं, क्योंकि मेरे पास है सब कुछ। जो मैं यूसॉफ में आने से पहले मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं था, आज मेरे पास 5-6 मोबाइल मेरे खुद का है माय डियर फ्रेंड। घर में 3-4 लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मेरे बेटी के पास भी हर चीज है, सबके पास है। एंड बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट आई हैव गिवन गुड एजुकेशन टू माय सन, he is a BTech and now he has completed his BTech and he is doing coding courses. These all are possible because of the work which I did in 5 years of time. Agar aap bhi 5 saal ka, jab aapne 18 saal, 20 saal, 25 saal mein bhi, agar 30 saal mein भी, अगर 38 साल में भी अगर ड्यूसॉफ्ट में आ जाएगा, तो जितना मैंने 38 साल में ज्वाइन किया और मैंने
पांच साल के अंदर कर दिया तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर मोर एनर्जेटिक, मोर रिसोर्सफुल, मोर पोटेंशियल वाला लोग है, क्योंकि आज का जमाना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट जमाना है, स्मार्टफोन एंड स्मार्ट किड्स आर देयर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वांट और कैन के बीच में डिफरेंस को पता करने का। आई वांट समथिंग एंड आई कैन डू दैट। जैसे देखो, आपको जो चीज जो वांट है वो कितना मजबूत है, या दैट यू हैव टू सी इट। जो वांट है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो वांट को बनाओ। देखो, कैन नहीं, यू कैन बिकम ए ड्राइवर, यू नो ड्राइविंग एंड यू कैन बिकम ए ड्राइवर, बट ड्राइवर बनने के लिए नहीं आया हम। यू नो पेंटिंग, लिटिल बिट ऑफ पेंटिंग यू नो, लेकिन आप पेंटर बनने के लिए नहीं आया। यू नो सिंगिंग, आप सिंगर बनने के लिए नहीं आया। सो कैन यू कैन ड्राइव, तो वो ड्राइवर बनने के लिए नहीं है। तो यू वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, वॉट यू एक्चुअली यूर वॉन्ट्स, यू मेक इट वेरी स्पेसिफिक। दैट इज वाई यू आर इन ड्यू सॉफ्ट। चूज योर वॉन्ट और कमिट टू योर वॉन्ट। वो जो वॉन्ट एंड कैन का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, देखो वी कैन डू इट, बट जब वेन हम जब करेगा तो वो वांड, जैसे आपका जो उसका जो ड्रीम का जो ताकत है ना, जो क्या बताऊं मैंने, वो बर्निंग डिजायर आपके अंदर होगा, उतना ज्यादा आपका काम तेजी से चलेगा माय डियर फ्रेंड। और नेवर स्टॉप लर्निंग। मैंने हर जितने हो सके, जितना मेरा काम चले या ना चले, यू नो ड्यूरिंग दी कोरोना कोविड पेंडेमिक पीरियड हमारा बहुत बड़ा टाइम चला था, लेकिन हम लोग घर में बैठ के पहले शुरुआत में हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, तब भी हमने लगातार, यू आस्क सबीर अली दादा एंड हरिकृष्णन सर फ्रॉम तमिलनाडु, ऑल दीज लीडर्स, यू नो वी वर डूइंग दिस जूम सेमिनार, एंड वेन अपना अनुराग सर हैज इंट्रोड्यूस दिस सीरीज ऑफ लीडर्स टू लीडर्स लीड द लीडर्स प्रोग्राम्स, कितना बढ़िया लगा घर में बैठ के। और थैंक्स टू कोविड, आज अभी मैं केरला में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, और उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ, बहुत बढ़िया भी हुआ। तो आपको सीखने का जो है, नेवर स्टॉप लर्निंग, सबके साथ मुस्कुराते रहो, और एक छोटा सा बच्चा के साथ भी आप बहुत कुछ सीख सकता है। रेस्पेक्ट करो उनको, सीखो। और कुछ चीजें अनसीखना भी पड़ेगा, मतलब यू हैव टू अनलर्न समथिंग। जो गलत चीज है जो आपने सीखा है, डोंट बी सो रिजिड इन अनलर्निंग इट। यू हैव टू अनलर्न कुछ सीखे, जो सीखे ना, जो आपने गलत सीखा होगा उसको क्या बताया है हिंदी में, अनसीख करो, अनलर्न द थिंग्स विच इज नॉट गुड फॉर यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय द जर्नी। जैसे अभी आगरा में जो फंक्शन हुआ, वेरी माइंड ब्लोइंग इवेंट हुआ। क्यों हुआ? हम लोग प्लान देते हैं, लोगों को मिलते हैं, बहुत बड़ा दिक्कतें सामने आते रहते हैं, और हमारा कंपनी भी प्रमोशनल ऑफर्स गोवा में देते हैं, थाईलैंड में देते हैं, कभी कभी यू नो वी सेलिब्रेट आवर सक्सेस, किसी ने प्रीमियर बना, किसी ने स्टार बना, किसी ने डिप्लोमेट बना, तो वी सेलिब्रेट। वाई? बिकॉज ये एक ये जर्नी को एंजॉय करने का एक तरीका है, और वही हमें यादगार रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो एंजॉय द जर्नी, हमेशा वो जर्नी को एंजॉय करो, और हमें दुख का कहानी ज्यादा रहता नहीं है। जैसे आपने कोई पूछता है कि आपका जिंदगी का दुखी सब नहीं है, when we get smiles on our face, when we think about the happy events in our life, है ना? तो हमें इसको, ये जर्नी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने का है माय डियर फ्रेंड। तो उसके लिए सब आप लोग रेडी है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, एंड आपको हॉनेस्ट रहने का है, पॉजिटिव रहने का है, एंड नेवर 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 एवर स्टॉप बिलीविंग इन यू। यू आर द पर्सन, यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ योर लाइफ। आप अपना जिंदगी का, you are the maker or breaker, your choices, there are right choices and bad choices, that is up to you my dear friend, but thank God you all are in a wonderful most system, and recently in
रिसेंटली हमारे ग्रेट एमडी ऋषि सर हैज इंट्रोड्यूस्ड यू सो मेनी न्यू थिंग्स इन द सिस्टम. गो लर्न इट. उसको लोगों को बहुत अच्छी तरह सिखाओ. दैट इज आप शो द प्लान करते हैं. आपको पता ही है शो द प्लान स्टैंड्स फॉर एसटीपी. मैं उस एसटीपी को थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहता हूं आपको. एसटीपी 1 to 5 आर देयर. देयर आर 5 एसटीपीस. दैट इज एसटीपी 1, एसटीपी 2, एसटीपी 3, एसटीपी 4 एंड एसटीपी 5. आई विल जस्ट गिव यू एन थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहता हूं. एसटीपी 1 स्टैंड्स फॉर सी द पीपल. See the people. That is STP1. And that is what you do in system. Agar aap ghar mein baith ke dues out bolne se aap kamyab nahi banega. You have to show to the persons. Jo opportunity mujhe mila hai. Wo opportunity mein itna bada kamyab hone ke baad bhi agar main kisi ko nahi batayega. Aur main kisi ko kamyab hone ke support nahi karega. To main bada, bahut bada paap kar raha hu. Hai ki nahi? To hame is system ko देने के लिए लोगों के पास जाने का है. बहुत सारे लोग हैं जो जिसका जरूरत होता है. तो सी द पीपल देन से द पीपल. सेकंड एसटीपी 2 इज से द पीपल. से द पीपल मींस उनको नॉलेज इंपार्ट करो. गिव देम नॉलेज अबाउट योर सॉफ्ट. दैट इज एसटीपी नंबर 2. एंड एसटीपी नंबर 3 इज स्वैलो द प्राइड. घमंड मत रखो अपने अंदर. Swallow the pride. That is STP3. अपने आप को अंदर घमंड का चीज आने नहीं देना है. और जब मैंने बहुत अच्छा काम करता था तो मैंने भगवान से यह प्रार्थना करता था, भगवान मेरे अंदर घमंड का चीज आने मत दे. क्योंकि जब आपके अंदर घमंड हो जाएगा, when it gets into your head, you become somebody else. So swallow the pride. Right? Then the STP 4 is sell the plan. आप अपना प्लान को सेल करो और जितना ज्यादा उसको करोगे उतना ज्यादा आपका कामयाबी होगा. जैसे लोग क्या करते हैं, 6 महीने में एक प्लान, 8 महीने में एक प्लान, उससे आप कामयाब बनेगा क्या? नहीं बनेगा. जब आपने मिनिमम 10 प्लान एक दिन दोगे. यू नो देर वर पीरियड्स इन माई लाइफ वेन मैंने बोलने का मेरा गला बंद हो चुका था, फिर भी रात में कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते थे और बोलता था सर एक और प्लान दे दो. क्योंकि जब हमने ये प्लान देने का टाइम है ना, हम लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोते थे. वो सब कहानी बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए मेरे को. लेकिन मेरे को अनुराग सर ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया है और आपके पास भी लिमिटेड टाइम ही है. बिकॉज वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन. फीफा वर्ल्ड कप इज going on. Everybody has their own favorite teams. So aap logo ko jyada main bore nahi karna chahta. And the STP5 is stuff the pocket. STP5 aap ye sab 4 star STP karoge to aapka pocket mein kya aayega? Paisa aayega. Stuff the pocket. That is STP5. So these are the 5 STPs. I will just repeat it for you. STP1 is see the people. And STP2 is say the people. STP3 is swallow the pride. And STP4 is sell the plan. And STP5 is step the pocket. अपना pocket में पैसा आते रहेगा. अगर आप नहीं चाहिए बोलेगा तो भी पैसा आते रहेगा. So my dear friend, it's a very beautiful system, my dear friend. और आपको अपने आप को empower करने का है. This is the my topic's intention is nothing but अपने आप को एम्पावर करने का है, इंडिपेंडेंट बनने का है और एक्सेल करने का है अपने आप को. बिकॉज दैट इज इन माई हैबिट, इट इज इन माई ब्लड. वॉट एवर आई डू इट विद 100% सिंसियरिटी. वेदर वॉट एवर इट इज, अगर झाड़ू भी मारेगा तो झाड़ू बहुत जबरदस्त तरीके से मैं मारता हूं, माई डियर फ्रेंड. क्योंकि किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने ये कर रहा हूं मेरा हैप्पीनेस के लिए, मेरा पैशन है, मैं ये कर रहा हूं. तो वो सबसे बढ़िया तरीके से करना चाहिए करके मेरा एक एटीट्यूड मैंने बनाया है. तो माय फ्रेंड, दूसरा एक जिराफ का कहानी आपको लोग सुना होगा. जिराफ जैसे ही पैदा होता है, जिराफ का बच्चा एकदम फ्रजाइल एक एनिमल होता है. वो उड़ने का कोशिश करता है तो क्या करता है, वो मां जिराफ ने उसको ऐसा एक लात मारता है
कि वो एकदम चार पांच मीटर जाके दूर जाके गिर जाता है। तो ये बच्चा सोचने लगता है यार क्या किया है ये इन्होंने मेरे साथ। तो वो उड़ने का फिर कोशिश करता है, तो फिर एक और लात मार देता है, फिर वो उड़के भागने का कोशिश करता है। माय डियर फ्रेंड, तो ये एक सीख हमारे जिंदगी में होना चाहिए। अगर आप कमजोर बनेगा तो आपका रिजल्ट भी कमजोर होगा। आप ऐसे काम करो जैसे कि आपको या एक या दो या तीन या चार या मैक्सिमम पांच साल के अंदर अगर मैं कामयाब हो चुका हूं तो आप भी कामयाब होगा। क्योंकि मैं जैसे यंग उतना क्या बताऊं, मैं जितना अभी अभी 52 इयर्स यंग भी मैं बोलूं तो भी मेरे को लोग बोलता है कि यार 52 इयर्स उतना यंग नहीं होता। बट मैं बोलता हूं, मेरा विश्वास है कि कोई 18 साल का लड़का भी मेरे साथ भागने लगोगे तो मैं उनको भी हरा के दिखाऊंगा करके मेरा विश्वास है। माय डियर फ्रेंड, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। लेकिन मैंने एक छोटा सा और एक कहानी बता के मैंने अपना स्पीच को वाइंड अप करूंगा। एक बार आइंस्टीन, यू नो ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आइंस्टीन आप लोग सुना होगा। अभी कुछ और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या सोचा था कि यार मैंने क्या कर रहा हूं, यार मैंने ये तो किसी कॉपी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। यार इस दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हुआ है सबने किसी को कॉपी करके आया है। व्हेन यू कंपेयर माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन बिल गेट्स ने क्या किया, उन्होंने IBM का सॉफ्टवेयर के साथ कंपटीशन लगाया। दैट इज व्हाई ही हैज बिकम ए माइक्रोसॉफ्ट ओनर एंड ही इज रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इन्होंने क्या किया, जेफ बेसोस जैसे अमेज़न का जो सीईओ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी स्टोर को कॉपी किया। और उन्होंने क्या किया, अपना इलोन मस्क ने भी एक कार कंपनी खोला और कार कंपनी खोलने के बाद आज इतना बड़ा आदमी बन गया। तो somebody has started an entrepreneur, he has become an entrepreneur and we are, don't try to be, आपने खुद का बिजनेस करने का कोशिश मत करो, क्योंकि बिजनेस करना और व्यूज ऑफ में काम करना अलग बात होता है। माय डियर फ्रेंड, वो बहुत ही एक यू नो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इस सिस्टम में जो एजुकेशन मिलता है, इस कितना ज्यादा सब कुछ मिलता है और सिर्फ 11,000 या 10,500 में जो बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, कहां मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और फाइनली लेट मी कम टू माय लास्ट स्टोरी, दैट इज यू नो एक बार गलतियां से एक बार आइंस्टीन ने क्लास ले रहा था, बच्चों के सामने क्लास ले रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, 1 × 9 = 9, 2 × 9 = 18, 3 × 9 = 27 और 4 × 9 = 36, राइट। ऐसे लिख के गया और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, 10 × 9 = 91 लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा लास्ट में जाके, जो मैथमेटिक्स 9 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसमें जाके 10 × 9 = 91 लिख दिया, तो पूरा बच्चा हंसने लगे, क्या सर आपने इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया, ये 10 × 9 = 91 लिख दिया। तो हंसने लगा, इंसल्ट करने लगा। तब आइंस्टीन ने बोला, मैंने 1 से लेके 9 तक जब लिखा सही लिखा और आप लोग कोई अप्रिशिएट नहीं किया, और जब मैंने एक मिस्टेक किया तो आपने इंसल्ट करना शुरू कर दिया। यस सर, एक मिस्टेक किया और आपने शुरुआत एक मिस्टेक किया और आप लोग इंसल्ट करने शुरू किया। तो माय डियर फ्रेंड, तो मिस्टेक करना इज नॉर्मल। अगर आपसे गलती हो जाता है तो दैट इज वेरी नॉर्मल, इट इज ह्यूमन। और एक गलती के वजह से आप अगर कोई किसी का इंसल्ट सुने, कुछ सुने, तो इट डोंट स्पॉइल योर ड्रीम, आपका अपना, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू स्टील योर ड्रीम्स। अपना ऐसा एक ताकत बना हुआ, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोले, आप यू हैव टू स्टिक ऑन टू योर ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैंने आज मैंने जो बताया, जितने भी मेरा भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला, माई मदर टंग इज मलयालम एंड इन एयरफोर्स वी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड अगर मेरा हिंदी में कोई भी गलती हुआ है तो मुझे माफ कीजिएगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, जाके काम कीजिए और 5 साल के अंदर इतना तहलका मचाओ
कि देखो काम करना है करेगा तो जबरदस्त तरीके से करने का, किसी को कुछ कराने के लिए नहीं है कि नहीं समीर दादा? यू हैव टू डू इट विथ योर हार्ट, दिल से करो और योर ग्रोथ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड, योर सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं रोते रहूं तो कोई भी मेरे साथ आएगा नहीं, अगर मैं हंसते रहूं तो बहुत सारे लोग आके मुझे पूछेगा कि यार ये बंदा तो बहुत जबरदस्त है, ये हमेशा हंसता क्यों है? मैं रोते रहेगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। तो हंसते रहो, जिंदगी जीते रहो और जो सिस्टम को सीखो और जो आपको करना है एम्पावर करो अपने आप को। एम्पावर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश, खुद को पावर करो। आप लोग विमेन एम्पावरमेंट तो देखा होगा, लेकिन खुद को एम्पावरमेंट करने का ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है, जो फॉर्मूलास मैंने आपको बताया है, एंड आप इसको अपनाओ। जो भी है आगे अगर मौका मिलेगा, एंड आई मस्ट थैंक वंस अगेन द ऑलमाइटी एमडी ऋषि सहदेव सर एंड अनुराग अवस्थी सर, ऑल ग्रेट मे सीनियर लीडर्स एंड अप्लायंस एंड ऑल माय ब्यूटीफुल टीम फॉर मेकिंग मी व्हाट एवर आई एम टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। राजेंद्र नारिकोटी साइडिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले जब शुरुआत में जितना जोश था सर, और भी जोश बढ़ गया सर। रियली हैट्स ऑफ सर। क्या बताऊं, ये 10 साल का ये दिवसों में आने के बाद जो मेरे को सीखने, हर रोज जो नया नया कुछ सीखने मिला है, लेकिन आज जो एक जबरदस्त जो सेशन, रियली गॉड गिफ्टेड सेशन हम लोगों को पास आया है, आज बहुत सारा सीखा है। आई थिंक जो आज हमारा साथ जितना जुड़ा हुआ इंसान है, कोई भी नया है पुराना है जो भी है, माई ग्रोथ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये वंडरफुल टॉपिक्स, बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ हम काम करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि 20 साल से पहले, 23 साल से पहले वाला जिंदगी जो लोग नहीं सोचने वाला था। थैंक्स मिस्टर ऋषि सहदेव सर जी ने जो आज हम लोगों को एक नया हिस्ट्री बनाने के लिए एक मौका दिया है। और इंसान वो होता है जिसका ज्ञान होता है, वो पहाड़ तोड़कर हासिल कर सकता है। मैं तो जानता हूं मेरा मेंटर गुरु को, राजेंद्र नारिकोट सर को, कि उतना कितना मुसीबत है और कितना परेशानी है, लेकिन हर रोज हमारा टीम के साथ हमारे वाली है वन मैन आर्मी, ऑसिम सर जी, बीडर सर जी, संजय सर जी ने जो है, तापस सर, यूसुफ सर और विकास सिंह के सर, बहुत सारे लीडर के साथ ऑलवेज आगे लेकर जाते हैं। माई ग्रोथ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ग्रेटेस्ट टॉपिक्स टू आस। And thanks all of the teams. Thanks to all. Thanks Anurag sir. Thanks MD sir. Thanks my great mentor जो आज मेरे को आज host करने के लिए मौका मिला है. Thanks West Bengal team. हर Wednesday को बहुत बड़ा बड़ा excitement के साथ साथ हम आने वाला है, नया गायन के साथ।